उसमें भी चीजें निकालने की नहीं, मुझे सलूट तो नहीं हो रहा, किसी और को ही हो रहा होगा। अबे क्यों मैं भाई को फॉलो करो, जो जम्मू वाले लोग फॉलो नहीं करते भाई को फॉलो करो, ये भाई बात ना है कुछ। What's up guys, this is Varian Banal for आज हम फाइनली आ गए हैं सौरभ भाई के पास। अब हम सौरभ भाई निकलेंगे तो आज हम ब्रेक इन कर रहे हैं अपने एक्सॉन के ग्लव्स। अभी हम चलेंगे एक बढ़िया से रील और शूट करने के लिए, बहुत टाइम बाद निकले हैं और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में राइडिंग स्टाइल कैसा, तो वो भी दिखाई। हमारे साथ जो सौरभ शर्मा जो हैं ये गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट के सेलिब्रिटी हैं, जिन जिन ने इनको फॉलो नहीं किया जाके फॉलो करो 130K ऑन इंस्टाग्राम, एंड ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद यू के जट प्रभ, जो सबके सब भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब आते हैं यहाँ पे स्पेशली भाई को कॉल करते हैं, उसके बाद ही यहाँ का प्लान बनाते हैं। बस भाई कह रहा था कि JS पाजी इनको फॉलो नहीं करते, तो जो जो मेरे छोटे मोटे फैन हैं जाके JS पाजी को मैसेज करो कि सौरभ करके भाई है अपना नॉर्थ ईस्ट में, उसको फॉलो करो, क्योंकि हम तो अभी टाइम है। हमने पंडित को दिखाया था, पंडित ने बोला अभी टाइम है, तो जब पंडित जी कह रहे हैं अभी टाइम है तो अभी टाइम है, उससे पहले कैसे उठ सकते हैं हम। एंड बहुत बहुत मुबारक है जम्मू के बाकी सारे लड़कों को जिन्होंने 1,500,000 के क्रॉस किया। जम्मू में भी ऐसी रोड है पर एक आधा ही स्ट्रीट है जो ऐसा मिलता है, और यहाँ पे तो आप देखो सारे स्ट्रीट्स ही ऐसे हैं कि बस थ्रॉटल ही ओपन कर दो और तबाही मच जाए। मतलब भाई इसकी सर्विस भी ड्यू है, इसकी सर्विस के लिए हमने अपने शिवम भाई से बात कर रखी है। शिवम भाई कह रहे हैं कि जल्दी ही जल्दी वो हमें बताएंगे दिल्ली से बंदा आएगा और वो आके सर्विस करके जाएगा। एंड R1 में फिर से प्रॉब्लम आ रही है बैटरी की, तो वो भी इशू रिजॉल्व करना है। मैंने कहा बहुत टाइम से व्लॉग नहीं किया, ये ना हो व्लॉग करना ही भूल जाए, तो उससे अच्छा निकलते हैं आज छोटा सा संडे राइड करके आते हैं आसपास। तो सौरभ भाई को मैसेज किया, मैंने कहा सौरभ भाई चलो थोड़ा होके आते हैं। सौरभ भाई ने बोला क्यों नहीं, ये तो एवरी टाइम रेडी है। बस निकल गए हैं यहाँ पे, बस यही है कि आगे से ट्रक्स वगैरह आते हैं। और ये देखो कितनी सुंदर टी गार्डन है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। एंड मैनी कंग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड आकाश वॉन्ट ऑफ स्काई, भाई ने नई जीप की रूबिकॉन ली है। एंड हम भी अभी कर रहे हैं प्लान, अभी तो पहले इसका लोन चुकाएंगे, उसके बाद अगला 20 का प्लानिंग करेंगे, बिकॉज हम भाई काम करने वाला इंसान है, हमें पैसा सेव करके चीज़ें लेनी पड़ती हैं, हमें हर महीने पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब से, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट कम है। जब आप लोगों का सपोर्ट बढ़ जाएगा उसके बाद भाई फिर आप देखो, साल की 3 सुपर बाइक नहीं उठाई तो नाम बैन अल्फा से चेंज कर दूँगा। तो ठीक है यार, अब देखते हैं यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का सीन क्या रहता है। एक आध साल हम नॉर्थ ईस्ट में हैं तो देखते हैं। अब जम्मू तक की एक साल की जर्नी में सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर्स आए, अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की एक साल की जर्नी में कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं। किसी भी ब्लॉग में या कहीं पे भी नहीं देखा कि डुकाटी V4S इन नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम वाली साइड है पर ये बंगाल वाली साइड नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो इस साइड पर कोई भी डुकाटी V4S नहीं है, तो अभी इसको लेके हम इंटरनेशनल ट्रिप में भी जाएंगे, तो इंटरनेशनल ट्रिप की भी प्लानिंग चल रही है। आज सौरभ भाई से डिस्कस करेंगे कि कब जाना है, तो जो जो गेस कर चुके हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल राइड कहाँ हो सकती है वो गाइस कमेंट करके बता दो, जिन जिनको समझ आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। एंग्री बर्ड्स एंड शी इज़ एक्चुअली एंग्री बिकॉज बहुत टाइम से निकाला नहीं, और ये ग्लव्स भी हम ब्रेक इन कर रहे हैं बिकॉज जब से लेके आए हैं उसके बाद से ग्लव्स भी निकाल नहीं पाए। तो सौरभ भाई ने फिर एक और पिट स्टॉप लिया है, ये हम घुस गए हैं मार्केट एरिया के अंदर। पीछे पीछे सौरभ भाई, और ये देखो लोगों के रिएक्शन देखो, क्योंकि आपको रिएक्शन वीडियोस चाहिए ना।
तो हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं लोगों के। छोटी बच्ची यहाँ रैप नहीं करेंगे, डर जाएगी। भाई गर्मी हो रही है, तपड़ती है, मतलब बढ़िया ही गर्मी हो रखी है भाई। और पीछे से बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया रील के रिएक्शन और यूट्यूब के रिएक्शन। हमने वेस्ट बंगाल में मचाई है तबाही। भाई इसके मार्केट रिएक्शन कह रहा था, तो जो जो देखते देखते रहो, जिनको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठोको ठोको ठोको। भाई कह रहा है सीधे सीधे चलते रहो, ये ना हो कि हम सीधे सीधे वहीं पहुंच जाएं जहां हमें बाद में जाना है। अब ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर है जिसकी वजह से ऐसी लोकेशन पे ज़्यादा जाने से टायर पे इफेक्ट होता है। भाई मैं तो कह रहा हूँ एक काम करो, 100 के कर दो, जल्दी से कर दो, मतलब मज़ा ही आ जाए। और 100 के होते हम न्यू शे बारबन भी ले लेंगे पैंच। वील गेट द न्यू शे बारबन। भाई नॉर्थ ईस्ट का सीन सेट है भाई, हर जगह पे ना आपको एक भाई चाहिए आपके साथ, जो मतलब उस जगह के बारे में जानता हो, जो आपको लेके जाए, जो आपको बताए कि भाई यहाँ अच्छा है, ये लोकेशन अच्छी है। अभी जल्दी से ड्रोन ठीक कराते हैं और खेतों के बीच में ड्रोन उड़ाएंगे, टी गार्डन के बीच में, क्या मस्त व्यू आएगा भाई। जो भी बाइक्स है वो उस सेगमेंट की टॉप ऑफ द लाइन है, तो हम छोटे में सेटल नहीं करते। वैसे ऑप्शन तो बहुत हैं टॉप ऑफ द लाइन के भी। एक मुझे डुकाटी मल्टी स्टार्टर V4 पीक बहुत अच्छी लगी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है। और दूसरी बढ़िया है अपनी 1250 तो है ही है, ये भी अच्छी है, अफ्रीका ट्विन। बट मुझे अफ्रीका ट्विन पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, वो मैं couldn't develop that taste for अफ्रीका ट्विन। तो भाई बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोगों की सोच ऐसी है कि आप लोग किसी सामने वाले की तरक्की नहीं देख सकते। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सलूट हो रहा है, तो आपको उसमें भी चीज़ें निकालने की, नहीं मुझे सलूट तो नहीं हो रहा, किसी और को ही हो रहा होगा। अबे क्यों बे, मुझे सलूट क्यों नहीं हो सकता, बताएंगे सही समय आने पे। अभी वो सही समय नहीं है, तो जब सही समय आएगा तुम सबको पता चल जाएगा कि क्या है क्यों नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करो, सब्र करो, फालतू के वो मत डालो। बस वो जो आमिर माजिद के कुछ 3-4 चूचे हैं, वो आगे अपनी गंद मचा के चल जाते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। अबे उधर मचाओ ना, मेरे इस पे क्यों गंद मचा रहे हो, उसके चैनल पे गंद मचाओ। मेरा ओपिनियन है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी डालूँ, मैं तुम्हारा क्या जा रहा। गुवाहाटी गए थे, शशांक को मिले वहाँ पर, और शशांक को मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। यही बहुत ख़राब है, देखो अपनी लेन में नहीं चलेंगे, किसी की भी लेन में चलते हैं, इनके चचा की लेन है यहाँ। तो भाई तुम्हें ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा अपने चैनल पर जो तुमने सुनी भी नहीं होंगी। तो इस जगह का नाम है एथलवाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं एथलवाड़ी में आगे कहीं। तो गाइस ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट का पहला व्लॉग डुगाटी V4S पे। आगे और भी बहुत अमेजिंग व्लॉग आएंगे, स्टे ट्यून टू द चैनल। रिएक्शन देखो भाई के, एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब द बैरन अल्फा।